वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ऑल इंडियन कोटा एम्स न्यू दिल्ली नीट 2021 का डाटा शेयर करूंगी, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए कि एम्स का कट ऑफ कितना जाता है। वैसे तो यार रैंकिंग्स पे डिपेंड करता है, जैसे इस बार जिसका AIR 1 आया है उसका रैंक फर्स्ट है। तो देखिए, पिछली बार 6 से शुरू हुई थी OBC की, इस बार फर्स्ट से भी हो सकते हैं। पर नीट 2021 का डाटा है जो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, इसलिए आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं काउंसलिंग के लिए, बस मैं आपके साथ ये डाटा शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो जर्नल के लिए स्टार्ट हुई थी फर्स्ट रैंक से और क्लोज हो गई थी 53 पे। टोटल नंबर ऑफ सीट राउंड वन में अलॉट हुई थी 35। EWS के लिए 11 से शुरू हुई थी एंड 254 पे क्लोज हो गई थी एंड 15 सीट्स अलॉट हुई थी इन राउंड वन। OBC के लिए 6 से शुरू हुई थी, 250 पे क्लोज हो गई थी एंड 40 सीट्स अलॉट हुई थी इन राउंड वन। देन स्टार्ट हुई थी 46 से SC के लिए एंड क्लोज हो गई थी 875, नंबर ऑफ सीट 19। ST स्टार्ट हुई थी 77 पे, क्लोज हो गई थी 4820 पे एंड नंबर ऑफ सीट 9 अलॉट हुई थी। टोटल सीट्स 118 अलॉट हुई थी, पर मैंने इसके अंदर PWD को काउंट नहीं किया है क्योंकि ये डाटा एक्सक्लूड था अब PWD से, मतलब PWD की सीट्स इसमें इंक्लूड नहीं थी, पर अलॉट उनके लिए भी हुई होंगी, ठीक है, 118 सीट राउंड वन के लिए। अब चलिए राउंड टू पे चलते हैं। राउंड टू पे जनरल के लिए कोई वो नहीं था, ठीक है, EWS के लिए नहीं था। OBC के लिए एक सीट अलॉट हुई थी 256 रैंक पे, ठीक है, एंड SC ST के लिए भी कोई नहीं था। और टोटल सीट इसमें भी अभी PWD काउंट नहीं किया है तो 1 हुई थी, ठीक है। PWD के लिए जो होंगी वो आप चेक कर सकते हो, होगा उनके लिए साइट पे।